अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बस आज फिर वीडियो बनाने लगा हूँ। आज तो मैं शेखपुरा गया हुआ था, एक तारीख थी, हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं उनके हल के लिए भी जाना पड़ता है। तो वापस आया हूँ तो आप ये शेरू को और ये शामू जो है इसको बाहर निकाला है, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये भी गोला ही है, बस 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 ये एक दूसरे के बच्चों को मारते हैं। वो इधर आ गया था, ये इसने मारना शुरू कर दिया भी, आप क्यों इधर आए हो। ये तीन अंडे दे दिए हैं जी, एक लालों का है और दो कालों के हैं जी। ये तीन अंडे दिए हैं इन्होंने, तो हम संभालते जा रहे हैं अंडे, लेकिन अब पता नहीं तो कुड़क बैठ दिया कि नहीं। हम तो इसके अंडे लेने रहे हैं, इसके बच्चे लेंगे। ये कुकड़ हमने स्पेशल लिया है इसी मकसद के लिए। जो अपने अपने पिंजरे में जा बैठा है, जो डब्बा उधर लगा हुआ है ना जी, उसमें जा बैठा है वो बच्चा, सुकून से बैठ गया। इधर जो है ना ये फैंसी का भी मादा बैठी हुई है इधर। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है वो बच्चे निकालेगी। ये पट्टी जो है ना जी, इसका अभी नहीं, ये मिलाप कर रही है अभी, वो तो जवान गई है। देखें ये कब अंडे देती है, क्योंकि ये इसका रंग तो मुझे तो खूबसूरत लगा था, इसीलिए मैं ये लेकर आया था। अब देखें जी बच्चे कैसे निकलते हैं। ये देखें जी, ये पट्टियाँ फुल जवान हो गई है माशाल्लाह, लेकिन अभी तक ये मुर्गे के पास नहीं जाती। खा लो खा लो खा लो खा लो खाओ खाओ। इधर मुर्गियों का डर लगा रहता है क्योंकि मुर्गियां बहुत हैं, मुर्गियों का बिल्लियां बहुत हैं इधर, बिल्लियों का ही डर लगा रहता है कि इनको पार ना जाए। आप नहीं बाहर गए भाई, चल करो बाहर, बाहर नहीं जाना आपने। ये दोनों भाई हैं जी, एक माशाल्लाह देखो बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया। हाँ जी बैठ रहे हो, मौजा कर रहे हो, मौजा कर रहे हैं, तो दाना शाना खा लिया है। अब ये देखो जी, ये जो पट्ठे हैं ना जी, ये नया चूज़ा है जी, ये कबूतर नया है, ये अभी बच्चा निकला है ऊपर से, तो ये अब ये उड़ने लग गया है तो नीचे आ जाता है। ये दो पता नहीं बहन भाई है, ये दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, मुझे तो इनकी पहचान नहीं है, लेकिन ये अपना नीचे आ जाते हैं। एक वो ऊपर बैठा हुआ है, देखेंगे एक ये नीचे आ गया है, बाकी इधर दाना खाने आ गए हैं। कुछ मुर्गी कुछ छंडों पर बैठी हुई हैं अभी, ये हमारे पीछे पीछे माशाल्लाह ये जवान हो गए हैं एक महीने में ही। ये दो गोले कबूतर आए हैं जी हमारे पास, पता नहीं इनको गोले को कहते हैं। ये बाहर अगर रहें तो भी इसको घर दाना डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर से ही खाना खा के आ जाते हैं लोगों के घरों से,
लोगों की छतों से। ये भी गोला है, अब इनके मंत्र मुझे तो पता नहीं इनका नाम कैसे रख दिया है। लो जी दोस्तों, हमने ये सोलर लगवा लिया है, 6 किलोवाट का है। ओके सौखे ओके, क्योंकि कल को मुर्गियों को छतरों को भी ज़रूरत थी, तो जो पहला हमने सिस्टम लगाया हुआ था ना वो तो जो आर्दी था। लेकिन अब ये है, अभी हमने प्लेटें भी आपको दिखाता हूँ, ये 6.5 लाख में लगा है। 4 बैटरियाँ, 1 60 की है, UPS की है, मिल्लत वालों की, हम इनकी मशहूरी भी कर देते हैं। ये बैटरियाँ हैं, ये इन्फिनिक्स वालों का है, ये 2.25 लाख का आ रहा है इन्वर्टर। ये 7 रिलें लगाई हैं, क्योंकि इसकी हिफाजत के लिए, कि खुदा ना खासा को एमरजेंसी बने तो ये रिले सड़ जाए, लेकिन इन जो है ना जो इन्वर्टर है ये बच जाए। लो दोस्तों, ये हमने 555 की ये 8 प्लेटें लगाई हैं। इस पर हम सारा घर चला रहे हैं, मोटर, बिजली का सारा सामान, फ्रिज, एसी, ओवन, इस्त्री, तकरीबन सारा सिस्टम इस पर चलता है। ये 6.5 लाख में लगा है, बहुत अच्छा सिस्टम है जी। इस पर अभी 4 प्लेटें और लग सकती हैं, क्योंकि ये जो इन्फिनिक्स वाला है ना जी 6 किलोवाट का, ये 12 प्लेटें लगा सकते हो आप इस पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सुचा सौदा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। कोई कमी नहीं आती, कोई घाटा नहीं पड़ता, तो भाई जल्दी जल्दी कर दें, वैसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं। सब्सक्राइब करें और फिर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।